किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल। किसान भाइयों, बहुत दिनों से मेरे मन में कई सवाल उठ रहे हैं और मैं आपसे बात करना चाहता था, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से, 2-3 महीनों से मुझे लग रहा है कि मैं आपके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, या आप थोड़ा सा ऐसे में मेरे को बात करते हैं और ठीक प्रकार से लिख नहीं पाते। किसान भाइयों, मैंने पहले ही बताया था कि अमेजिंग किसान मेरे लिए एक मिशन है और मैं इसे बड़े सुव्यवस्थित तरीके से चलाना चाहता हूँ, जिस प्रकार सब लोग चाहते हैं उस प्रकार से नहीं। मेरा विजन है एक, जो मैंने वेबसाइट पर दिया है और एक वेबसाइट भी बनाई है इसकी, www.amazingkisan.com, जिस पर मैंने बहुत सारी बातें लिखी हैं और अपनी सब वीडियो उसी पर डालता हूँ, जो भी मैं लेख लिखता हूँ वो भी उस पर हैं, जो कुछ ओपन पब्लिकेशन है, जो सरकार के पब्लिकेशन है अच्छे, अमरूद और नींबू से संबंधित, वो भी उस पर डालता हूँ। तो किसान भाइयों, मैं आज कुछ बिंदुओं पर बात करूंगा। उनमें से सबसे पहला है कि एक मैंने पुराने वीडियो में ये बताया था कि व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो हमें देखिए। किसान भाइयों, हमारा पिछले लगभग 3 महीने से व्हाट्सएप ग्रुप बंद हो गया है, क्योंकि इसमें 256 सदस्यों की एक लिमिट थी और उस लिमिट में जो है हमारे सदस्य ज़्यादा हो गए थे तो हमें वो बंद करना पड़ा। अब ये ग्रुप टेलीग्राम पर है, तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आगे से ये मैसेज बिल्कुल न भेजें कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप अब अमेजिंग किसान व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, अब सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। हमने एक नियम बनाया है कि हम उस सदस्य को अपने ग्रुप में मेंबर नहीं बनाएंगे जो हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि हमारा अमेजिंग किसान जो ग्रुप है टेलीग्राम पर वो आपके लिए अच्छा है, आपको कुछ फायदा होता है, तो उसके लिए आपको पहले वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वेबसाइट पर जाइए और उसमें एक ऑप्शन है डायरेक्टरी, डायरेक्टरी में रजिस्ट्रेशन कीजिए। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें अपना नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम देंगे, स्टेट का नाम देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, कौन सी खेती करते हैं, कौन सी फसल की खेती करते हैं ये बताएंगे, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। अब आप वो नंबर नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर नोट करने के बाद में हमें पता चल जाता है, रोज हम उसको शाम को देते हैं और हम उसको देखते हैं कि अगर ये आदमी सही है तो उसको अप्रूव करते हैं। लगभग सभी को हम अप्रूव कर देते हैं अगर वो नर्सरी वाला नहीं है। इसके बाद आपको टेलीग्राम ऐप, गूगल प्ले पे जाइए, टेलीग्राम ऐप है उसको डाउनलोड करिए, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए और जब अपना नाम लिखेंगे उसमें, जो प्रोफाइल में अपना नाम लिखते हैं, जैसे राम यादव, तो लास्ट नेम यादव है और फर्स्ट नेम राम है, तो यादव के बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो अवश्य लिखिए। ये मैं रजिस्ट्रेशन की क्यों बार बार कह रहा हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन करिए, किसान भाइयों अभी 1-2 महीने के बाद हम काफ़ी सुविधाएं शुरू करने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे ग्रुप में वो ही किसान आए जो वाकई सीरियस है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे अमरूद पर एक बात है, जैसे आजकल जो है ना नीमाटोड की बहुत प्रॉब्लम है, नीमाटोड एक कैंसर की बीमारी है, इसमें अमरूद में बहुत बीमारी है, और मैंने देखा है कि जैन साहब उसका बार 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 उत्तर, हर जो भी नया किसान आता है वो पिछली बातें नहीं देखता और उनसे पूछता रहता है, वो बार बार एक ही बात को कहते रहते हैं। इसी तरह नावेद भाई हैं जो नींबू के एक्सपर्ट हैं, वो भी यही काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं लिख रहा हूँ और उनको धीरे धीरे, उनको जो है ना मतलब एक तरह से एडिट करने के बाद में इनको हम अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे, जिससे कि एक ही बात किसानों को बार बार न बतानी पड़े, उनको जस्ट रेफर कर दें। इसलिए अगर आपको अमेजिंग किसान अच्छा लगता है, ग्रुप अच्छा लगता है, आप उससे जुड़ना चाहते हैं, तो अमेजिंग किसान वेबसाइट पर जाइए और आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और उसके बाद में हमारा अमेजिंग किसान ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ये था पॉइंट नंबर 3। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 4 है, अभी भी मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, सर हमें बताइए हम कौन सी वैरायटी लगाएं अमरूद की। देखिए, मैं किसी को एकदम से, उसने न तो मुझे ये पता है वो कहाँ का रहने वाला है, वो किस जिले का है, किस स्टेट का है, वहां पर कौन सी प्रजाति होती है, तो मैं ये तो देख नहीं पाता। अब मैं उससे बार बार सवाल पूछूंगा और इतना होता है,
किसान भाइयों मेरी थोड़ी स्थिति समझिए, अगर मेरे पास 40 कॉल रोज आती हैं और मैं 5 मिनट भी लगाता हूँ तो आप समझिए 200 मिनट मेरे को रोज चाहिए। 200 मिनट का मतलब यह हुआ कि मेरे को लगभग 3-3.5 घंटे रोज चाहिए लोगों से बात। क्या यह संभव? नहीं। कौन सी प्रजाति लगाएं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो मेरे से बार बार पूछा जाता है, और फिर पूछा जाता है पौध कहाँ से ले। इन दोनों विषयों पर मैंने 2 वीडियो बनाई है। आप मेरी वीडियो में चैनल पर जाइए, अमेजिंग किसान चैनल पर जाइए, यूट्यूब पर जो चैनल है, और उसमें ये दोनों ध्यान से देखिए और एक कागज पेन लेकर देखिए, और कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उनके उत्तर दीजिए तो आपको ही पता चल जाएगा कि कौन सी वैरायटी। कम से कम आप 3 वैरायटी सेलेक्ट करके आइए या 2 आइए, मैं उनमें से किसकी अच्छाई है किसकी बुराई है, कौन सी एडवांटेज में है कौन सी की डिसएडवांटेज है, वो बता सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसे कह दूं कि आप बर्फ खान लगा लो या आप L49 लगा लो, ये कभी पॉसिबल। किसान भाइयों हमारी वेबसाइट पर 2 नर्सरी वाले, हमने देखा है दोनों ठीक है हमारे हिसाब से, हमने जितनी जांच पड़ताल की है उनकी की है, वे सहयोग भी करते हैं, अगर कोई सवाल पूछता है किसान तो उसका सहयोग भी करते हैं। एक है जय श्री नर्सरी बनारस में, और एक है श्री नर्सरी नागेंद्र कुमार जी की मलिहाबाद, उसमें चाहे तो आप देख सकते हैं। और ये एक तरह से जो है ना पेड एडवर्टाइज, हमने उनको कुछ फीस ली है जो हमारी कार्य समिति ने, जो हमारी सलाहकार समिति है उन्होंने निश्चित की है, उसके बाद ही हमने उनको इंक्लूड किया। तो चौथा पॉइंट था कौन सी प्रजाति लगाएं, पांचवा था पौध कहाँ से ले। इन दोनों के बारे में आप मेरी दोनों वीडियो देखिए जिनका के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। निमाटोड एक ऐसी बीमारी है जो कैंसर की तरह, एक बार आ गई तो बहुत मुश्किल है। अब इसकी कुछ दवाई भी है, हमारे जैन साहब हैं उन्होंने भी बताया, उनके यहाँ भी आई है, देवी शंकर जाट हैं उनके यहाँ भी आई है, और भी कई लोग हैं जिन्होंने, मैंने बहुत अच्छा संग्रह बनाया है कि उन लोगों ने कैसे पहचान की, इसकी कैसी पहचान है, किस प्रकार पहचान कर सकते हैं, क्या क्या दवाई डालते हैं। तो अभी उन्होंने बताया था जैन साहब ने कि इसमें जो वेलम प्राइम की है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है एक, लेकिन वो बहुत महंगी है, 4000 रुपये लीटर है। एक निमेटाइड है वो भी बहुत अच्छी दवाई है, अभी आपके पास एक पब्लिकेशन आएगा हमारा, उसमें ये सब बातें हम बताएंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है किसान भाइयों एक चीज को देखकर कि मैंने किसानों से ये पूछा जिसके यहाँ निमाटोड आया है, निमाटोड हमेशा नर्सरी से आता है ये बात पक्की है। जैसे जो क्लोन वाले पौधे थे ताइवान पिंक के, जो वहां से एक बार मैंने बात भी की थी, आंध्र प्रदेश में नर्सरी है जो, उन्होंने बताया था कि जी हाँ हमारे यहाँ निमाटोड आया था, लेकिन हमने फिर उसको खत्म कर दिया था, उसका पूरा उपचार कराया था और हमने साइंटिफिकली टेस्ट कराई थी, वहां नहीं था। तो मैंने किसान भाइयों से एक सवाल पूछा, बार बार पूछा उस चीज को कि किन किसान भाइयों के यहाँ निमाटोड आया है और वो पौध कहाँ से लाए थे। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि किसान भाई ये भी बताने को तैयार नहीं है, ये तो है हाँ हमारे यहाँ है, लेकिन ये बताने को तैयार नहीं है हम कौन सी नर्सरी से लाए थे। क्यों शर्म है? अगर हम ये नहीं बताएंगे कि कौन सी नर्सरी से लाए थे तो हमारे जो अगले किसान भाई हैं इसका मतलब उनके तो अहित हितैषी नहीं है आप उनको। अरे कम से कम वो सावधान तो हो जाए ना, इससे बुरी बात क्या होगी कि जो चीज हमारे लिए खराब हुई है हम दूसरों को भी बचाने की प्रैक्टिस नहीं करते। मेरे पास सिर्फ 3 किसान भाइयों ने यह बताया है कि इन नर्सरियों से हमारे यहाँ निमाटोड आया है, मैं उनके नाम ले रहा हूं, मेरे पास इस बात के सबूत हैं कि उन्होंने लिख कर दिया है हाँ इनसे आया है, आप इसकी सत्यता की जांच कर सकते। पहली है किसान नर्सरी लखनऊ, यहां से एक हमारे किसान भाई ने L49 पौध लिया था, उसमें निमाटोड आया। दूसरी है श्री गोविंद नर्सरी लखनऊ, उसमें भी निमाटोड आया था, ये किसान भाई ने मुझको लिखकर भेजा है, उन्होंने उससे पौधे लिए थे। मेरे पास वर्ष है, महीना है, कौन सी वैरायटी है, ये सब लिखा हुआ है। और तीसरी है ये राजस्थान नर्सरी जो सवाई माधोपुर में है, वहां से भी निमाटोड आया था। और किसान भाइयों एक बार निमाटोड आ गया तो इसका उपचार करना और इसे भगाना बहुत पैसे खर्च होते हैं। सबसे बड़ा दुख ये होता है कि आपकी सालों की मेहनत बेकार। तो किसान भाइयों मैं, ये थी मेरी आज की प्रेजेंटेशन, और मैं एक बार फिर इसमें जो मुख्य बिंदु है उन पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहला है कि आप आगे से मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करने के लिए नियम नहीं लिखिए। अगर आप हमारा टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराइए, रजिस्ट्रेशन नंबर लीजिए और फिर टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कीजिए और उससे हमारा अमेजिंग किसान ग्रुप ज्वाइन।
और ये प्रजाति वाली कौन सी प्रजाति आपको सूट करेगी लगाएंगे ये आप मेरा वीडियो देखिए, पौध कहाँ से लेंगे ये वीडियो देखिए, अपने आसपास देखिए, जाइए पता करिए, किसी पर भी विश्वास मत कीजिए देख कर के, किसी ने कह दिया इवन मेरे पर भी इतना विश्वास मत कीजिए। मुझे उम्मीद है आज का प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया होगा, अगर आपके कुछ कमेंट हैं या कुछ प्रश्न होंगे तो मुझे उनके उत्तर देकर बड़ी खुशी होगी। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।